डेक्कन न्यूज सवेरा में आप सभी का स्वागत है। मैं आप जानते हैं अच्छी तरह से मैं अतीक अहमद। आज हमारे साथ एक विशेष मुलाकात के द्वारा हमारे साथ मोहम्मद मोहिउद्दीन मौजूद है। आपकी ज़िंदगी में आपने शुरुआती दौर से सोशल वर्कर यानी सामाजिक कार्यकर्ता, साथ ही साथ पत्रकार यानी कि रिपोर्टर, और उसके साथ साथ राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता का काम किया यानी कि पॉलिटिकल वर्कर के रूप में काम किया। उसके बाद आपने बिजनेस के अंदर वहाँ पर स्विच किया। अभी हाल ही में आपके बारे में सुनने आया है कि आपने पॉलिटिकल इवेंट का भी आपने काम किया है, तो आपको इन सारे प्रकार के अलग अलग जो विभिन्न क्षेत्रों से आपको जो अनुभव हुआ, सबसे अच्छा काम आपको क्या लगा इसके बारे में बताया आप। ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी में जो अच्छा लगता है वो सो करते जाना। अब आजकल सक्सेस यानी पैसा, तो पैसे को सब सक्सेस बोलते हैं। ठीक है, पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा तो ज़रूरी है, ज़िंदगी की एक चीज़ है, लेकिन सभी में मुझे अच्छा लगा। और एक नया काम, ये कुछ नया नहीं है मेरे लिए, पहले भी मैं अपने कम उम्र से दोस्तों के साथ, हमारे बड़ों के साथ इलेक्शन मैनेजमेंट का काम करता आया, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा प्रिंटिंग फील्ड है। इस प्रिंटिंग फील्ड में मिला कि हमने कोशिश की, गुलबर्गा में हमको प्रिंट इलेक्शन मैनेजमेंट का कोई काम नहीं मिला, प्रिंटिंग का ही काम मिला। और जो भी आप पूछ रहे थे सर्वे के बारे में, तो सर्वे का काम हमने हमारे तौर पे करा के रखा, उनको बताया नहीं, हम कैंडिडेट को हमने वो सर्वे नहीं बताया, क्यों तो वो कांटेक्ट ही नहीं था। हम हमारे लिए प्रिपेयर, हम तैयारी कर लिए, कहीं फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो हम करना बोल के हम करे थे। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा के जो चुनाव जो आयोजित किए गए थे, वहाँ पर जो गुलबर्गा शहर में दो जो सीटें हैं दक्षिण और साथ ही साथ उत्तर की, वहाँ पर आपके सर्वे के अनुसार आपका जो वहाँ पे अनुमान था कि वहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलेंगी और बीजेपी जीत रही है, क्या आपके सर्वे के द्वारा आपको इस बात का वहाँ पे अनुमान हुआ कि वहाँ पे बीजेपी जीत रही है और अन्य दल जाने के जहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो कांग्रेस है वहाँ पर हार रही है, ऐसा आपको लगा क्या है? या फिर आपको उस बारे में किस प्रकार से आपने सर्वे के द्वारा लोगों से जाकर उनकी राय को जानने की कोशिश की आपने? नहीं, पहली बात तो सर्वे हम कराए, लेकिन ये हमारे हद तक सर्वे था, ये हमने कोई कैंडिडेट को दिए नहीं। ठीक है, आपको मालूम होगा इसलिए आपने पूछे सवाल। सर्वे हमने कराए और हमारा जो कराने का तरीका था उसके अंदर हमने एनालिसिस जो किया, हो सकता उसमें हम तो सेटिस्फाई है कि बीजेपी दोनों सीटें जीत रही थी, ऐसा हमको लग रहा था। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, जो सर्वे करे और सर्वे को मैं मॉनिटर मैं सर्वे कर रहा था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये सर्वे बीजेपी, हमारा जो सर्वे था बीजेपी जीत रही थी, लेकिन उल्टा यहाँ मुझे क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो वहाँ रैली हुई, वो रैली से उल्टा बीजेपी को लॉस हुआ। और मैं इसको इसका एनालाइज करके भी बता सकता हूँ, वरना वहाँ नासिर उस्ताद साहब की अच्छी पोजीशन थी, आराम से 25,000 वोट क्रॉस कर रहे थे, उनका मैनेजमेंट बेहतरीन मैनेजमेंट था, कांग्रेस से अच्छा वहाँ JDS का मैनेजमेंट था। लेकिन वोटर्स का, जो मुस्लिम वोटर्स का और SC वोटर्स का जो पोलराइजेशन हुआ, और पूरा वोट वन साइड कांग्रेस हुआ, उससे JDS को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और बीजेपी को कहीं ना कहीं ये डिवाइडेशन का फायदा नहीं हुआ। बीजेपी का वोट मोदी जी आने से ना बढ़ा ना घटा, जाता वहीं था, लेकिन जो वोट JDS को जा रहा था वो JDS का वोट पूरा कांग्रेस को चलेगा, और कांग्रेस आई 3,000 वोट से, और हमारा अंदाज़ा था वहाँ 20 से 25,000 JDS वोट ले रही, तो हिसाब से वहाँ कांग्रेस बीजेपी नियर अबाउट लगभग 7,000 वोट से हारती थी, या मान लो हारती थी, ऐसा हमारा अंदाज था। और रूरल का भी वही था, कृष्णा रेड्डी जो JDS के थे उनकी भी अच्छी थी, कैनवेजिंग अच्छी थी, उनके वर्कर्स थे, सब थे, लेकिन उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ा। उन वहाँ के भी जो रूरल के JDS के वोट है वहाँ भी स्वीप होकर कांग्रेस को चले गए। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, भले ही वहाँ कांग्रेस दोनों सीटें जीती, लेकिन वो दो सीटें तकरीबन बीजेपी के ही फेवर में थे। वो जो दिन भर रैली चली है और पूरा एक दिन भर गुलबर्गा के दो हिस्से में बटा रहा, बीच में रैली निकली मोदी जी की, तो हर घर घर में वो रैली का वो गया कि नो आए, फिर कुछ स्पीच, ये वो लोगों में वहाँ का जो जहन बना। तो मेरा ऐसा है कि दलित मुस्लिम वोट वन साइड कांग्रेस को होने से बीजेपी दोनों सीट हारे। जैसा कि आप जानते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर जो गुलबर्गा की लोकसभा चुनाव क्षेत्र यानी के लोकसभा की जो चुनाव क्षेत्र से वहाँ पे कांग्रेस ने हारी है, 2024 में होने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उसके बारे में आपका जो सर्वे है यानी आपका जो ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहता है,
क्या है वहां पर फिर से कांग्रेस को, जहां पर 2019 में जहां पर उसको पराजय का सामना कर पड़ेगा, क्या फिर से वो जीत का सेहरा अपने सर बांध सकेंगे क्या, इस बारे में बताएं आप। जहां तक हम विधानसभा में देखे दो ये, तो मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस को आने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए 2024 के लिए बहुत सीरियस काम करना चाहिए। अभी से जेडीएस के वर्कर को अपने में शामिल कर लेना चाहिए, जैसे वस्ताद फैमिली एंड आसिर वस्ताद है, इनसे भी उनको क्यों, तो आसिर वस्ताद जी का जो है 15 से 25 हज़ार का वोट उनका है, ये तो मानना ही पड़ेगा कांग्रेस को, और 15 से 25 हज़ार वोट ये बहुत कुछ माने रखता है। तो नासिर वस्ताद एंड फैमिली को कांग्रेस में शामिल करने की कांग्रेस से भी पहल होना चाहिए। और मैं कदम आगे बढ़ के ये भी बोलता हूँ कि एक अपने तरफ से राय देता हूँ वहाँ का ग्राउंड देखने के बाद, नासिर वस्ताद फैमिली को भी कांग्रेस से एडजस्ट करके, हाँ आपके एमएलए बनने की ख्वाहिश है और आपके अंदर सलाहियत भी है मैं मानता हूँ, लीडरशिप भी है, तो आप भी कांग्रेस के जरिए बनने की कोशिश करें, ताकि आपके आवाम का जो कांग्रेस की तरफ जाना है, बार बार आपको दो इलेक्शन से पता चल रहा है कि लास्ट टाइम में पब्लिक कुछ समझ में नहीं तो कांग्रेस कुछ शिफ्ट हो रही, तो उसी का फ़ायदा उठाने के लिए अगर उन्होंने भी कांग्रेस में शामिल होते और उनको क्या बोलेंगे आप, रेस्पेक्टफुल अगर कांग्रेस ज्वाइन करा लीजिए, सम्मान के साथ अगर उनको ज्वाइन करा लेती तो कांग्रेस के लिए भी अच्छा है, कांग्रेस भी इजी ना ले, नासिर वस्ताद जी भी अपने तरफ से जाए। ये मेरा तो बस ये है कि कांग्रेस हल्के में ना ले, जेडीएस को अपने में शामिल करने की कोशिश करे, उनको पूरी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ अपने पास बुलाए, ये भी कांग्रेस की भी ज़रूरत है। कांग्रेस यह ना समझे कि 2 सीट जीत ली एमपी निकाल लेंगे, कांग्रेस के लिए मुश्किल है। जैसा जानते हैं कि गुलबर्गा विधानसभा चुनाव के अंदर जहाँ पे 2 निर्वाचन क्षेत्र है, दक्षिण और उत्तर, वहाँ पर आपके ज़मीनी सर्वे के अनुसार कुछ नए चेहरे वहाँ पर जीत के आए हैं या पुराने चेहरों को वहाँ पे उनके दलों ने उनको अवसर प्रदान किया गया था, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, कांग्रेस की जीत को तो मैं ज़्यादातर ऐसा ही समझता हूँ, नो डाउट हमर साहब के जो बेटे हैं फराज साहब, उन्होंने अच्छी मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कांग्रेस की जीत की जो थी, थोड़ा बोले तो बुरा लगेगा लेकिन मिसमैनेजमेंट ही था कांग्रेस की जीत का, लेकिन कांग्रेस की जीत का जो था, हर वर्कर अपने आप को एक बड़ा वर्कर या जिम्मेदार वर्कर या अपने वार्ड में लीडर साबित करने के लिए अपनी 100% दिया, तो इस तरीके से हुआ। जबकि जेडीएस हारी ज़रूर, लेकिन कांग्रेस से 1000% एक्स्ट्रा मैनेजमेंट जो था जेडीएस का, बेहतरीन जेडीएस का मैनेजमेंट था। कांग्रेस का 100 वर्कर का मिलकर हर कार्यकर्ता को अपने अपने को साबित करना था और ये सब मिलके ग्रुप में कांग्रेस की जीत शामिल हुई। अब रहा सवाल इसमें कोई उभरे गया तो जेडीएस से, मैं समझता हूँ नासिर वस्ताद साहब, उनके जो भाई है डॉक्टर तनवीर वस्ताद साहब, उनके बारे में भी लोगों में पॉजिटिव, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है और उन्होंने स्पीच भी दिए, तो वो लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज गया, वो अच्छा गया। और इधर से कमर इस्लाम के जो दामाद है, उनके दामाद साहब भी बेहतरीन, मैंने उनको करीब से देखा, अबरार भाई को बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं नहीं, उनका जो ग्राउंड वर्क था खामोशी में और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने वाले महले में जो मैनेज कर सकते खामोशी में, उनका मैनेजमेंट था बेहतरीन था। तो वो छुपे हुए खिलाड़ी बोलते ना जैसे, तो अबरार भाई भी एक मेरे को वहाँ दिखे। तीसरे कांग्रेस की तरफ से जो बेलकुंडी साहब थे, वो जिनका कारोबार है मोटर बाइक शोरूम्स, कार शोरूम्स है, तो उनका भी एक पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने बोलिए, उनका भी मैनेजमेंट में को दिखा। तीन चार लोग मुझे उभरते हुए दिखे इसके अंदर, अच्छे बड़े वर्कर बनने की, कुछ रखने की। मैंने एक बात सुनी हुई आपके बारे में कि आप कोई नया आंदोलन यानी कि मूवमेंट चलाने के बारे में विचार कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या आपने बताएंगे दर्शकों को? मैंने वो बताने की तो बात नहीं है, चलो आप बात छेड़ दी तो बोल रहा हूँ मैं। मेरा एक सोच है कि हमारा जो पॉलिटिक्स है मुसलमानों, खास करके खुला बोल रहा हूँ मैं, मुसलमानों का जो पॉलिटिक्स है, जो भी मुतखेड़ शहर है या नांदेड़ हो या फिर जहाँ मुस्लिम पॉलिटिक्स स्टैब्लिश नहीं है, क्यों, तो जहाँ स्टैब्लिश है वहाँ अभी नहीं कर सकते, जहाँ स्टैब्लिश नहीं है वहाँ की बात करूँगा मैं, तो वहाँ ऐसे लोगों को चुने कि जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके।
ऐसा नहीं कबीला बड़ा है, उसका ख़ानदान बड़ा है, उन्हें पैसे वाला बड़ा है दे दे रहे, लेकिन उन्हें शोपीस बन के बन रहा, वैसा नहीं। वो महल में कोई बातचीत करना हो, या हालात आजकल बात बात को बिगड़ने के चांसेस है, कुछ जो भी हो रहा समाज में माहौल में, ग्राउंड पे जाके बात कर सके, माहौल को सुधार सके, पुलिस से एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सके, आवाम को समझा सके, ऐसे लोगों को चिनके दो बोल के एक मोमेंट चला के सबको पूरे पार्टी वर्कर को जमा करके वहाँ के लोकल लेगी मजहबी पॉलिटिकल लीडर्स, मस्जिद के मेंबर्स, मस्जिद के कमेटीज सबको जमा करके बात रखना हर जगह तालुका लेवल पे जाके, ऐसा एक प्लान है। और साथ साथ ये कि ये भी है, जैसा औरंगज़ेब मोमेंट चली, तो ये औरंगज़ेब मोमेंट के बारे में अपनों को और अपने अपने बारे में बुरा सोचने वाले दोनों को भी हिस्ट्री नहीं मालूम है, ज़्यादातर व्हाट्सएप के ऊपर है। अभी मैं इसी से शुरुआत कर रहा हूँ कि औरंगज़ेब इन्होंने किसी को हिंदू बोल के अगर मार दिया तो एक मिसाल बता दो, या किसी को सिख बोल के मार दिए तो एक मिसाल बता दो। ऐसा नहीं है कि तू हिंदू है बोल के मार दिए, तुम सिख है बोल के मार दिए, उनके हुकूमत को जिससे ख़तरा पैदा हुआ उसको मारे, फिर उसमें सिख भी मारे, हिंदू भी मारे, मुस्लिम भी मारे गए, तो सब मारे गए उसमें। और वो अभी से नहीं, पहले से चलते आ रहा और आज भी चलते आ रहा। अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, अगर इसको दूसरे एंगल से समझे तो समझाने के लिए दे रहा हूँ, आप कौन कैसा माने निकालता है इसकी अलग बात है। अब इंदिरा गांधी थे प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ गोल्डन टेम्पल में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिलिट्री के अंदर, तो वो भिंडरान वाले को मारने के लिए, भिंडरान वाले को मारे तो एंटी सिख ने था, भिंडरान वाले ने स्टेट के अंदर स्टेट एक अपना पावर लाने की कोशिश कर रहे थे, बस वैसे औरंगज़ेब के वक्त औरंगज़ेब की हुकूमत के अंदर कोई हुकूमत खड़ी करने की कोशिश कर रहा तो उनको रोकने का तरीका था, बस वो है, ये एक बात रखना है सामने। और दूसरा इसके साथ साथ मस्जिदों का जो हाल है, कई जगह मस्जिद है मदरसे चंदों के नाम के ऊपर एक अलग ही दुनिया मचल रही है, उससे गलत मैसेज जा रहा, और वो अपने चंदे के लिए माहौल को और बिगाड़ रहे, सुधार रहे, एक अलग एंगल में ले आ रहे। और तीसरी चीज़ गैर मुस्लिम्स को, यानी कि जो कुरान नहीं पढ़े, चाहे मुस्लिम रहो या गैर मुस्लिम रहो, कुरान का उनको नॉलेज नहीं है, खाली व्हाट्सएप के ऊपर चल रहे, तो उनको मिल के अपनी कुरान देना, भाई इसको कहानी है किस्सा समझ के पढ़ो, हम ये नहीं बोल रहे कि आप इसको करके मुसलमान बन जाओ, ये कुरान लो इसको पढ़ो और इसमें क्या है देखो, इससे जो कुरान नहीं जानने वाले या जो मुसलमान नहीं है उनको कुरान से या मुसलमानों से नफरत नहीं कम होंगी। अब आजकल जो चल रहा हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल नहीं है, इसके पीछे दूसरा भी एक एजेंडा है, क्यों तो इस मुल्क ने, इस्लाम ने सोशल और सोशल एंड क्या इकोनॉमी, सोशल एंड इकोनॉमी में इसमें जो बदलाव लाए, सामाजिक और आर्थिक में जो बदलाव लाए, तो ये इस्लाम का मेन मुद्दा यही चाहिए, और इसी के ऊपर अगेंस्ट वो है इस्लाम, एक सबको एक साथ देखो बोलता है, जिजिया या जकात दोनों टैक्स है, जिजिया का जिक्र होता है, जकात का नहीं होता, और टैक्स किससे लिया जाता है, टैक्स कभी भी कोई भी सिस्टम में गरीबों से टैक्स नहीं लिया जाता, तो जो जकात देते जिसके पास पैसा है वो जकात का सिस्टम है सब आपको मालूम ही है, वैसी जिजिया का भी है, जो हिंदू पैसे वाला था उसे जिजिया लेते थे, जो मुस्लिम पैसे वाला था उसे टैक्स लेते थे, और कोई स्टेट चलाने पे टैक्सेशन ज़रूरी चीज़ है, जिस स्टेट में टैक्सेशन नहीं है वो स्टेट फेल हो जाता, तो ऐसे कई चीज़ है, तो ये सब चीज़ें मेरे को बोलना हो, एक एक जगह जाना हो। अब ये अपना पहले बोलते ना, पहले घर देखो फिर बाद में बाहर देखो, थोड़ा घर का स्टैंड हो या ना दो, तो ये भी एक मोमेंट में निकल रहा है, जिसको आपने भी, रजाक भाई भी सामने है, रजाक भाई को भी सबको शामिल करना है, मेरे कई दोस्त है सबको शामिल करना है। अंतिम सवाल आपसे, जिस तरह से आपने बताया है कि आप सामाजिक उत्थान करने के लिए समाज के अंदर जहाँ पर जिस प्रकार से आज असमंजस की स्थिति निर्माण की जा रही है, और अलग अलग प्रकार के जो एजेंडे है या अलग अग अलग प्रकार की जो नीतियाँ के तहत जहाँ पे अल्पसंख्यक बनाम के वक्त में सामाजिक आर्थिक प्रकार का जो पिछड़ापन किया जा रहा है, साथ ही साथ आंदोलन के साथ आपने ऐसा भी विचार किया है कि समांतर रूप से आपको यूट्यूब के द्वारा भी लोगों तक इस बात को पहुंचाना है, लोगों को अवगत कराना है कि क्या सच है, और सच के साथ साथ जो भी आपके सामने अन्य प्रकार के जो मीडिया आपके सामने जो छूट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में, या यूट्यूब चलाने के बारे में या स्थापित करने के बारे में आपने विचार किया है क्या? नहीं, यूट्यूब हो या मोमेंट हो, सबसे पहले मेरा यही बोलना है, आप किसी के फैन मत बनिए, कोई लीडर के, कोई मौलाना के, या किसी के आप फैन मत बनिए, आप उनके अच्छे कामों को उसकी बिल्कुल वाहवाही कीजिए, और उसके गलत कामों पे उसको उंगली उठाइए,
नहीं आप उनकी हर चीज़ मत समझिए। और आज के दिन कौम को चलाने वाले दो लोग, एक दीनी और एक पॉलिटिकल, मजहबी और क्या बोलेंगे इसको, पॉलिटिकल एंड राजनीतिक और धार्मिक, तो दोनों भी एंगल में क्या हो गया, एक दूसरे की खामोशी में दोनों की गठजोड़ हो गई। पॉलिटिकल लीडर जो है अपने वोट के लिए उन्हें कुछ और रास्ता अपना लिया, और दीनी मजहबी जो है आलिम उनमें ज़्यादातर, अभी 100% कहूँगा तो फिर कुछ आ जाएगा इसलिए 100% नहीं कहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादातर अपने चंदे के वास्ते, अपने एडजस्टमेंट के वास्ते उन्होंने एक डायरेक्शन दे दिए। तो ये दो डायरेक्शन के बीच में पब्लिक परेशान है, और पब्लिक को है कि ना पढ़ने का ना समझने का शौक है। पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि अपना जो लीडर चुन रहे हो, वो जो लीडर चुनना है अपने को, सिर्फ मुसलमान, हिंदू या फिर बागवान, कुरैशी, मोमिन, शेख, ऐसा ना चुने, एक अच्छा अपना लीडर चुने, जैसा हम एक अच्छा डॉक्टर चुनते हैं, अच्छा एक वकील चुनते हैं, बस वैसा ही एक चुने। मैं तो बोल रहा हूँ, खैर ये बड़ी बात होंगी, लेकिन जिस दिन मुसलमान जात छोड़कर अच्छा लीडर चुनना शुरू करेगा, और किसी मुसलमान को अगर लीडर बन के दिए और उन्हें अपने आप पर खड़े ठहरेंगे, तो ये वोट परसेंटेज की पॉलिटिक्स छोड़िए, जहाँ 10% भी मुस्लिम होंगे तो वहाँ मुस्लिम MLA चुन के आएंगे, मुस्लिम MP चुन के आएंगे, बशर्ते कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाए। 16-20% मुस्लिम है तो कोई ज़रूरत नहीं है, 80% के लोग 20% मुस्लिम को प्राइम मिनिस्टर तक बना देंगे। और ऐसा UP जैसे स्टेट में कुछ ग्राम पंचायत में एग्जाम्पल है, वहाँ 10 घर है, 2 घर है, 4 घर है, वहाँ मुस्लिम पंचायत का सरपंच रहा। तो सबको एक ही मैसेज देना है, वो मोमेंट चलाना है उसके बारे में कि भाई हर तालुके लेवल पे जाके अपना जो लीडर है वो लीडर चुनो। चुप नहीं, इसका कबीला बड़ा है चुन के दे दिए, इन्हें पैसे वाला है चुन के दे दिए, वैसा नहीं, परिवारवाद नहीं, भाई भतीजावाद नहीं, जो अच्छा है, जो अच्छा वर्कर है। अब एक बुरी आदत लग गई, अगर कोई ठहरा तो छोटे बोल लेते हैं उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास उसका कबीला छोटा है, उसको क्या ज़रूरत है। अगर वो एक आदमी भी है, अकेला भी है और उन्हें काबिल है, तो उसको वोट दो और उसको चुन के लाओ। बस यही बात मुझे एक ताल्लुक़ लेवल पर पहुँचाना है। और मस्जिदों के कई दुकान हैं, ऐसे कई सवाल आते बाहर निकले तो, कई मस्जिद हैं, मस्जिदें के दुकान हैं, किराएदार 10-10, 20-20 साल से कब्जे में, और उसका किराया नॉमिनल है, वो किराएदार दूसरे किराएदार को 10 गुना किराया दे के चला रहा मस्जिद की प्रॉपर्टी, ये भी गलत है। तो उस गांव में उस लोग नहीं बोल सकते, क्यों तो उनका डोमिनेशन रहता है, तो एक ग्रुप बना के उसको बोल सकते हैं। ऐसे कई मसले हैं, वो मसले पे मैं सोच रहा हूँ, उसके बारे में बाद में बोलूँगा। आप देखते हैं कि जिस प्रकार से मोहम्मद मोहिउद्दीन ने अपनी बातचीत के अंदर बताया, वैसे ही आपसे कहूँ कि मैं आपस में बातचीत के द्वारा कुछ सवाल मन के अंदर निर्माण हुए थे, और साथ ही साथ इस प्रकार का मुझे बार बार एक ये हो रहा था कि उनसे सवाल के जवाब भी मालूम करो। तो उन्होंने आज अपने विश्लेषण में या व्यापक बातचीत के अंदर सभी प्रकार के बिंदुओं पर सभी प्रकार के प्रश्नों के साथ साथ समाधान और संतुष्ट करने वाले बातों को रखा हुआ है। डेक्कन सवेरा स्टूडियोज से कैमरामैन अब्दुल रजाक के साथ अतीक अहमद, डेक्कन सवेरा, मुदखेड़।